डोंट कंडीशन याद रखना, इसके पहले क्या बताया, थीकोडॉन, ये वाला एंड्रोडॉन, व्हाट इज थीकोडॉन, बोनी सॉकेट के अंदर टीथ का पाया जाना, इट इज नोन एज थीकोडॉन, और चार प्रकार के दांतों का होना, हाँ हेट्रोडॉन, कितने नाम बताओ, इंसाइजर, कैनाई, प्रीमोलर, मोलर, अब सुनो, इंसाइजर इज फॉर कटिंग, अगर आप खाने को काटना चाहते हैं, सेब को काटना चाहते हैं, इंसाइजर से काटेंगे, तो जिन दांतों से आप काटते हैं, दिस फ्रंट टीथ आर इंसाइजर, जब आप किसी भी चीज को फाड़ना चाहेंगे, शियरिंग, चीर फाड़ करना चाहेंगे, बचपन याद करो, जब आपको अपने दुश्मन को काटना केवल होता था तो केवल सामने वाले दांतों से काटते थे, और जब खून निकालना होता था, याद है, दैट इज फॉर शियरिंग, एंड प्री मोलर्स एंड मोलर इज फॉर चुइंग, चुइंग, तो बोलते हैं इंसाइजर आर चिजल लाइक, खुरपी जैसे, और कैनाइन आर छेनी लाइक, छेनी, ओके, छेनी समझते हो, प्री मोलर एंड मोलर आर हथौड़ी लाइक, खुरपी लाइक, छेनी लाइक, हथौड़ी लाइक, तो हम ये सब नहीं पढ़ाएंगे, बताओ इंसाइजर किसके लिए, कटिंग, कैनाइन, शियरिंग, और प्री मोलर एंड मोलर चुइंग, तो जिनको मांस को बहुत शियर करना पड़ेगा वो कौन है, कैनाइन, इसलिए कार्निवोरस एनिमल में, किसमें, कार्निवोरस एनिमल में इनका नंबर कम, ये इनका डेवलपमेंट कम की ज्यादा, ज्यादा, बहुत बड़े बड़े होते, भेड़िया, कुत्ता, शेर, इन सब में कैनाइन, छोटे की बड़े, बड़े, अपने अगल बगल किसी बंदे के कैनाइन ज्यादा बड़े देखो, उसका नाम भेड़िया रख दो नहीं नहीं मजाक कर, तो बताओ कितने प्रकार के दांत, अच्छा नंबर वन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, एंड ऑल दीज टीथ दे आर प्रेजेंट इन बोन, ऊपर वाली बोन, देखा देखा तुमने क्लास कितनी एनर्जी के साथ शुरू की थी, और तुम्हें लग रहा था आज मैं सुनील सर की ऐसी हालत खराब कर दूंगा, मेरी हालत खराब नहीं, तुम्हारी होगी, एनर्जी मेंटेन रखो, और जब मन करे कि नहीं सर अब मजा नहीं आ रहा मुझे बताना, मैं तुम्हें तुरंत कथक डांस नृत्य दिखाऊंगा, और सर कथक आता है, हाँ कथक आते वक्त मैं 5 क्वेश्चन लोगों से पूछता हूँ, फिर वो नहीं बताते, फिर उनको डंडे मारता हूँ, और जब डंडे मारता हूँ तो वो कथक करते, उसी नृत्य का नाम कथक, बोलो कितने प्रकार के, 4, नंबर 1 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, अब ये चारों दांत बोन्स में प्रेजेंट है, एंड बोन्स आर जॉ से, किसे में, जॉ से, तो ये रहे जॉ, जबड़ा, एंड जॉ दे आर द सिमेट्रिकल, बोलो जॉ कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल, इधर देखते जाओ जॉ कैसे, और इन सिमेट्रिकल जॉ में आधे जबड़े में चीट और टीथ का अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला, पल्ले नहीं पड़ा क्या बोला, फिर से सुनो, आधे जबड़े में जो टीथ का अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट का नाम होता है डेंटल फार्मूला, पूरे जबड़े में कि आधे, तो दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर, चलो जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओ, आगे के दो दांत इंसाइजर, एक, दो और 3, और लिखते जाओ, ये कितना, 2, ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि जबड़ा सिमेट्रिकल है तो अगर ये दो हैं तो इधर भी, फिर 1, चलो भाई 2 नहीं 3, 4, 10, 15, 25, ऐसे मत करो बेटा, बताइए, दो हो गए टोटल मिलाकर, 4,
ये कैनाइन हो गया, बोलो ये क्या है, प्रीमोलर हो गए और मोलर, भयानक दांत। तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ डेंटल फार्मूला, लोगों के पास जवाब नहीं होता व्हाट इज डेंटल फार्मूला। आज मुझे इसका जवाब चाहिए। डेंटल फार्मूला इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन द हाफ ऑफ द जबड़ा, हाफ ऑफ द जबड़े में दांतों का अरेंजमेंट, इट इज नोन एज डेंटल फार्मूला। चलो बोलो व्हाट इज डेंटल फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। इन हाफ जॉ, आधे जबड़े में टीथ का अरेंजमेंट, इट इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला लिखते वक्त एक ट्रांसवर्स लाइन बनाई जाती है। एवरीवन हियर, बहुत बार देखा आपने ये ट्रांसवर्स लाइन, आपको अपर और लोअर जबड़े के बारे में बताती है। ऊपर की तरफ अपर जॉ और नीचे की तरफ लोअर जॉ, तो ऊपर की तरफ अपर जॉ का आधा और नीचे की तरफ लोअर जॉ का आधा, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज हाफ जॉ। तो ऊपर जो लिखूंगा वो भी आधा जॉ है और नीचे लिखूंगा वो भी आधा जॉ है, लेकिन ऊपर वाले में कौन सा, अपर जॉ, और नीचे वाले में लोअर जॉ, तो आधा आधा की पूरा पूरा आधा आधा। अब मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज आई सी पी एम, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। अरे नहीं, हमारे लोग ऐसे रट्टा मारते थे, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। नाउ इट विल बी 2, 1, 2, 3। ये अपर जॉ का फुल किया था, अगर मैं पूरा जॉ चाहता हूं तो इसका क्या करूं, 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 2, 1, 2, 3। बताओ कितने इंसाइजर, 2, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर, कितने मोलर, तो बताओ 3 और 2, 5 और 1, 6 और 2, 8 दुनी, 16 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 दुनी, 16
नहीं आया। 32 दांत हो गए तो हमारे पास 32 दांत हैं, लेकिन 32 दांत में हमारे पास फार्मूला क्या है? 2 1 2 3। व्हाट इज 2 1 2 3? 2 इज इंसाइजर, 1 इज, 2 इज प्रीमोलर और 3 इज मोलर। पक्का? और ये पूरे जगह की आधे का। और ऐसे दांत लाइफ में दो बार, 2 टाइम इन लाइफ, लाइफ में दांत दो बार निकलते हैं। एक बार की दो बार, दो बार। और दो बार में जो पहली बार दांत निकलते हैं, अब जगह चाहिए, पहले इतना हटा रहा हूं, बोलो भाई इतना हटाओ, हटा दें, बताओ। दांत हेट्रोडोंट याद है? हेट्रोडोंट मतलब सारे दांत एक जैसे के अलग अलग। टोटल कितने प्रकार? 4 याद है? बोलो। ये साइज है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, काटने के लिए, शियरिंग करने के लिए, चबाने के लिए, प्रीमोलर और मोलर। क्या इनका कोई फॉर्मूला है? नोन एज डेंटल फार्मूला, क्योंकि ये बोन में पड़े हैं। ऊपर वाला जॉ, अपर जॉ, नीचे वाला लोअर जॉ सॉकेट में प्रेजेंट है। सॉकेट में होने की वजह से थीको और अलग अलग होने की वजह से हेटोडॉन में 4 हो गए। अच्छा बताओ, किसी भी जबड़े में आधा जो अरेंजमेंट है कितना, वो क्या बनाएगा? डेंटल फार्मूला। तो बताओ अपर जॉ का डेंटल फार्मूला 2 1 2 3। पानी डालो, पानी मुंह में, पानी पानी डालो बहुत तेजी से। नहीं नहीं नाक मत बंद करना,
नाक मत बंद करना, पानी पानी मत पिलाना, केवल पानी डालना है। हाथ पैर टाइट हो रहा है क्या? इसको ले जाओ बाहर निकालो। फिट से इसको, बेहोश नहीं है, मिर्गी है, चलो फिट से जल्दी जाओ बाहर। इसके पहले भी कभी हुआ है ये? इसके पहले भी हुआ है कभी बेटा? बाहर निकालो उसको, थोड़ा हवा में ले जाओ। बेटा थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, बैठ जाने दिक्कत होगी। आइंदा याद रखना, अगर किसी को इस तरीके का कभी भी कोई दौरा पड़े, किसी को पानी मत पिलाना, पानी केवल फेस पे मारना। आप लोगों को कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुआ करे, उसके पहले एक ऑरा बनता है, थोड़ी देर 5 मिनट पहले आपको लगता है कि दिक्कत होने वाली है, उसके पहले आप लोग यहां से उठ जाया करिए। बहुत मुश्किल हो जाता भाई, मैं क्या पढ़ा रहा था? अच्छा डेंटल फॉर्मूला याद है? तो 2 1 2 3 हम लोगों ने पढ़ा, और टोटल हमारे पास कितने दांत मिले? 32। अब याद रखना जो टूथ है या टीथ है, एकदम शांत रहो, ये दो प्रकार के हैं। एक जो होते हैं दे आर नोन एज मिल्क टीथ, दे आर टेम्परेरी, ये टूट जाएंगे। दूसरे तरीके के टीथ हैं, दे आर नोन एज परमानेंट, ये दांत दूध के दांत टूटने के बाद, मिल्क टीथ के टूटने के बाद निकलते हैं। और चूंकि जिंदगी में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इस कंडीशन का नाम हो गया डायफाइडा। अब डॉन्ट कुल मिलाकर के 3 कंडीशन हो गए। आई नीड ऑल 3 कंडीशन यू नो। पहला दांत था थीकोडा, दूसरा था हेट्रोडा, और तीसरा था डायफाइडा। व्हाट इज थीकोडा? जब टूथ बोनी सॉकेट में हो, थीकोडा। एक प्रकार का कि 4? हेट्रोडा, जिंदगी में 1 बार की 2 बार, 2 बार याद रहेगा। और 2 बार में पहली बार वाले टेम्परेरी, दूसरे बार वाले परमानेंट। जो टेम्परेरी टीथ है याद रखना, दे आर 20 इन नंबर, 20 होते हैं नंबर में, और इनका फॉर्मूला है 2102 अपर जॉ, 2102 लोअर जॉ। अब मैं जो पूछूं बताना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, पक्का? अब इसको देखो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और ये पूरा है कि आधा? तो 2 और 2 1, 5 दुनी 10, 5 दुनी 10, 10 और 10 20। अब जरा एडल्ट को कंपेयर करो, 2 1 2 3, याद आया? फिर से बोलो, 2 1 2 3, बताओ।
प्रीमोलर जिंदगी में दो बार की एक बार, प्रीमोलर जिंदगी में एक बार, और लास्ट मोलर, क्योंकि मोलर ये कितने हैं, दो, और यहां पर मोलर तीन, तो तीसरा मोलर, थर्ड मोलर भी जिंदगी में एक बार। तो ऑल प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर, जिसे हम लोग अक्कलदाड़ बोलते हैं, थर्ड मोलर इज अक्कलदाड़, विजडम टीथ, याद रहेगा। तो ऑल प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर लाइफ में दो बार की एक बार, एक बार, वंस इन लाइफ, लाइफ में एक बार आते हैं। इसका मतलब 12 दांत, कितने दांत लाइफ में एक बार, और 20 दांत लाइफ में दो बार। तो जो लाइफ में एक बार आते हैं उसे बोलते हैं मोनोफायोडोंट। चार डोंट हो गए, चारों डोंट चाहिए, बोलो, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायडोंट, मोनोफायडोंट, बोनिसॉकेट, थीकोडोंट, चार प्रकार के दांत, लाइफ में दो बार और लाइफ में एक बार, मोनोफाय। तो बताओ इंसीजर लाइफ में, कैनाइन लाइफ में, प्रीमोलर लाइफ में एक बार, मोलर अगले वाले दो लाइफ में दो बार, और आखिरी वाले एक बार। ऑल प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर लाइफ में एक बार, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोफायोडोंट। तो बताओ डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, 2102, 2102, और एडल्ट 2123 और 2123। डेंटल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, याद है? Yes, बिटिया पन्ने मत गिनो। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन हाफ जा, हाफ अपर एज वेल एज हाफ लोअर। क्या आप लोग एक ट्रांसवर्स लाइन लेते हैं ऊपर की तरफ, अपर जा, नीचे की तरफ लोअर, याद रहेगा। और यहां से टीथ को बाय बाय करते हैं, टीथ खत्म, अब आएगी टंग। याद करो बक्कल चैम्बर का साइड कितनी चीजों से, तीन, ची, गम, टीथ। क्या गम हो गया? टीथ हो गया, चीक इज द मसल, वो छोड़ दो। अब बचता है फ्लो, बोलो क्या, फ्लो, दैट इज नोन एज टंग। टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ बक्कल चैम्बर, इट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ बक्कल चैम्बर। This tongue is originated from the bone known as hyoid bone in neck. So हमारी जो tongue होती है यह hyoid bone नाम की bone से neck के पास से originate होती है, but जब यह floor में आती है, फ्लोर में आके डांस नहीं करते, फ्लोर में आने के बाद इट इज अटैच विद अ फ्रेनुलम। किससे अटैच है? फ्रेनुलम। ये सब कनेक्टिव टिश्यू, कोई खाली जगह नहीं। चलो जीभ ऊपर करो, टच कर लो, अपनी है, दैट इज नोन एज फ्रेनुलम, बोलो। That frenulum is known as frenulum lingui, lungi nahi. Frenulum lingui. So the attached in the floor of, you know, floor of buccal chamber by a frenulum known
नोन एज फ्रेलुनम लिंग्वे. याद रखना, टंग को एक वी आकार का सल्कस, अगर आप अच्छे से जीभ को बहुत बाहर ला सके तो आपको या नहीं तो उसके पीछे की तरफ आपको वी आकार का एक सल्कस दिखाई पड़ेगा. ये टंग को पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 पार्ट में बांटेगा. द एंटीरियर 2/3 पार्ट इज नोन एज ओरल पार्ट. पोस्टीरियर 1/3 पार्ट इज नोन एज फेरिंजियल पार्ट. So tongue is divided into two part, oral part and pharyngeal part. This part is for the lymphoid tissue. And connective tissue. And the anterior 2/3 part, it have the papilla. Papilla. And these papilla have the taste bud. And that's why the tongue have the accessory function and that have the taste of substance. Tongue ka main function is swallowing. Main function of tongue. Swallowing of food. इस दुनिया में बहुत सारे जानवरों के पास जीभ है पर हर जानवर टेस्ट नहीं लेता. इसका मतलब टेस्ट इज द मेन फंक्शन और एसेसरी फंक्शन. एसेसरी एसेसरी फंक्शन होता है. मेन फंक्शन ऑफ द टंग इज स्वेलोइंग. स्वेलोइंग यस. तो टंग को दो पार्ट में बांटा गया. एंटीरियर 2/3 इज ओरल पार्ट. पोस्टीरियर 1/3 इज फेरेंजियल पार्ट. एंटीरियर 1/3 में पैपिला है. देयर मे बी ऑफ 4 टाइप ऑफ पैपिला. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप. नंबर 1 इज फिलीफॉर्म पैपिला. बुक में नहीं है इसलिए लिख लीजिएगा. दूसरे प्रकार के हैं फंजी फॉर्म पैपिला. तीसरे प्रकार के हैं फोलिएट पैपिला. और चौथे प्रकार के हैं सर्कमवैलेट पैपिला. One is known as filiform papilla, fungiform papilla, foliate papilla, circumvallate papilla. Filiform papilla is most numerous. सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं. But they have no taste bud. इनमें taste bud नहीं होती. बोल रहा हूं लिख लो, जगह कम है. फिलीफॉर्म पैपिला, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है? बताओ फिलीफॉर्म पैपिला मोस्ट न्यूमरस है. सबसे ज्यादा जीभ में कौन से हो? लेकिन सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी इनमें टेस्ट बड नहीं है, बस इतना लिख रहा है. द फंजी फॉर्म पैपिला दे आर रेड डॉट्स. जीभ देखता हूं आईने में जाकर के जो लाल दाग जैसा रेड डॉट दिखाई पड़ेगा, दैट इज फंजी फॉर्म पैपिला. They have taste bud. इनमें taste bud होती है. Foliate papilla absent in human. ये human में होते ही नहीं. And the circumvallate is the largest papilla.
आपकी जीप में वो सबसे बड़ा पैपिला गांठ जैसा दिखाई पड़े, दैट इज नोन एज सरकम वैलेट। बहुत ज्यादा टाइम वाली बात नहीं, बहुत छोटी छोटी बात पढ़ाइए। बताओ, टंग किसी बोन से ओरिजिनेट होती है? नाम बताओ। आया वो फ्लोर ऑफ माउथ में होती कि नेक में? नेक में, बोन इज इन द नेक। जब ये मस्कुलर पार्ट बाहर निकलता है तो क्या फ्लोर ऑफ बक्कल चैम्बर पर आता है और अटैच होता है? जिस फ्रेनुलम से अटैच होता है उसका नाम फ्रेनुलम लिंगवे। क्या वो फ्लोर ऑफ द बक्कल चैम्बर दिखाई पड़ेगा? फ्रेनुलम लिंगवी के बाद यहाँ पर एक सल्कस पाया जाता, नाम है सल्कस टर्मिनेलिस। बोलो क्या नाम? मैंने नहीं लिखा। ये सल्कर जीभ को कितने पार्ट में बांटता है? दो, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1। इसका टेस्ट से लेना देना? इसका टेस्ट से लेना देना है। और इसमें टोटल पैपिला पाए जाते हैं कितने? चार। उन पैपिला में क्या हो सकती है? हर पैपिला में टेस्ट बर्ड हो ये जरूरी और हर पैपिला ह्यूमन में हो ये भी जरूरी नहीं। तो बताओ ह्यूमन में कितने पैपिला? तीन। एक नहीं है, बोलो कौन? फोलिएट। फोलिएट पैपिला ह्यूमन में नहीं है। अब बताओ ह्यूमन में कितने? तीन। बोलो कौन? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सरकमवेलेट, FFC। बोलो, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सरकमवेलेट। और जब जब ही फोलिएट आए, फोलिएट मतलब लीफ लाइक, ये लीफ लाइक ह्यूमन का पार्ट नहीं है, तो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सरकमवेलेट, इसमें से किसके पास टेस्ट बड नहीं है? फिलीफॉर्म तो खुद में है लेकिन उसमें टेस्ट बड नहीं है, और फंजीफॉर्म है और उसमें टेस्ट बड है। सरकमवेलेट भी स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्ज है और उसमें भी टेस्ट बड है। तो कल को मैं पूछूं कि ह्यूमन में पाए जाने वाले पैपिला जिनमें टेस्ट बड है, एक, दो कि तीन? दो। एक फंजीफॉर्म और एक सरकमवेलेट, और कुल मिलाकर चार प्रकार के टेस्ट हमारी जीभ ले सकती। कितने? चार। हटा दें से नहीं, बातें करवा के तुम टाइम वेस्ट करते हो। हटाएं? चलो। अब टंग के बारे में जो जो जानते बताओ। टंग किस बोन से? नेक्स्ट से निकली है? माउथ में, सॉरी बक्कल चैम्बर में आई है? फ्रेनुलम है? फ्रेनुलम लिंगवे। दो पार्ट में है? पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 2। पोस्टीरियर 1/3 का कोई लेना देना टेस्ट से? एंटीरियर 2/3 का है, वहां पर बड है, सॉरी वहां पर पैपिला है। पैपिला का नाम लिंगुअल पैपिला। बोलो बोलो, लिंगुअल पैपिला। हर पैपिला में टेस्ट बड हो ये जरूरी? टोटल पैपिला कितने? चार। चारो याद है? बोलो, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिए, सरकमवेलेट। बताओ ह्यूमन में कौन नहीं? फोलिएट नहीं, हमारे पास तीन है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। फिलीफॉर्म में टेस्ट बड, फंजीफॉर्म में है, सरकमवेलेट में है। हमारी जीव टोटल चार प्रकार के टेस्ट जानती है। टिप में मे बी सॉल्टी एंड स्वीट, थोड़ा पीछे स्वीट, बड़ा बड़ा सॉल्टी एंड स्वीट। साइड में सोर एंड साल्टी, दोनों। सोर मतलब खट्टा, सोर एंड सॉल्टी, और पीछे बिटर। तो टोटल कितने टेस्ट हम जानते हैं? चार। बोलो कौन कौन? साल्ट, ये मिलेगा टिप में, स्वीट ये भी मिलेगा टिप में, और साल्ट साइड में भी मिल जाएगा। तो टिप एंड साइड, स्वीट टिप, सोर साइड एंड बिटर
एंड बैक पोर्शन ऑफ द टंग. याद रखना बीटर मतलब कड़ुआ. हिंदी में लिख रहा हूं कोई वजह होगी क्योंकि आप मिर्च के स्वाद को कड़ुआ बोलते हैं. नो, मिर्च कड़ुआ नहीं है. कड़ुआ मतलब कैफीन. कभी कैफीन खाई? अरे कॉफी खाई है. कॉफी का जो स्वाद है वो कड़ुआ है. तो व्हाट इज द स्वाद ऑफ मिर्चा? चिली. चिली हैव नो टेस्ट. चिली का कोई टेस्ट नहीं होता. हाँ लगती कैसी है? चिली हैव सेंसेशन. नो डोंट डू दिस क्योंकि मैंने देखा तो फिर अभी सारे सी निकल जाएंगे. सेंसेशन एंड दिस इज नोन एज बर्निंग सेंसेशन. इसीलिए चिली के स्वाद का तीसरा चौथा नाम रखा गया तीखा. एंड तीखा एंड कड़ुआ इज नॉट द सेम थिंग. तीखा होना और कड़ुआ होना एक ही बात नहीं है. मिर्च खाना तीखा होना और कैफी करेला खाना. करेला खाया है? दैट इज कड़ुआ. तो कड़ुआ होना अलग बात है, तीखा होना अलग बात. तो मिर्च का कोई स्वाद हमारी जीभ में है कि नहीं है? मिर्च का कोई भी स्वाद हमारी जीभ में नहीं. लेकिन क्या मिर्च का सेंसेशन नहीं है? है. द मिर्च का सेंसेशन इज बर्निंग सेंसेशन. और ये सेंसेशन तुम चाहे जहां से ले सकते हो. ओंट में लेना हो ओंट पे मिर्च लगाओ, नाक में लेना नाक पे लगाओ, आंख में लेना आंख में लगाओ, बाकी तुम्हारी जहां से मर्जी. So burning sensation can be sensed by any part of the body and that's why chili have no sensation. No, so chili have no taste but have sensation. It has sensation but no taste. तो तीखा कोई स्वाद, तीखा एक सेंसेशन. हटा दें? हाँ बताओ कितने प्रकार के स्वाद आप अपनी जीभ से ले सकते हो? एक और नमकीन, सॉल्टी, खट्टा, सॉर, मीठा, स्वीट, कड़वा, बिटर. मिर्च का स्वाद होता है नहीं? मिर्च का स्वाद सेंसेशन है. इट इज नोन एज तीखा सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन. थैंक यू वेरी मच. अब आइए बक्कल चैम्बर पूरा हुआ, एकदम शांत. जैसे आप माउथ से अंदर घुसे उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी एक नहीं तीन चार प्रॉब्लम होती है. टंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है और लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है. मेन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वोकल कॉर्ड, टंग, ब्रेन. अगर तुम चाहते हो क्या जीभ का इन्वॉल्वमेंट होता है? यस. जीभ कई बार ज्यादा अटैच होती है फ्रेनुलम से तो कम मूवेबल होती है और जब कम मूवेबल होती है तो वो सिलेबल्स बना नहीं पाती. तो आवाज तो निकलती है लेकिन शब्द, यानी वो आवाज तो निकालेगा हो करके लेकिन शब्द नहीं बनेगा. एंड दैट इज नोन एज बोल ना पाना. तब हम लोग बचपन में ही उनका फ्रेनुलम सर्जरी से कट करके छोटा कर देते और कोई एक वजह नहीं है. बाकी अगर कुछ और तुम्हारा पूछने का मन हो पढ़ाओ तो बताओ. बताओ ये वाली ओपनिंग का नाम. अब मैं जो जो पूछ रहा हूँ बताते जाना, आगे बढ़ते जाना. इसकी छत का नाम पैलेट. हार्ड और सॉफ्ट. क्या आया? अच्छा. इसकी फ्लोर का नाम टंग. हाँ हो गया. और इसके बाद साइड का नाम चीगा. पक्का? आप जाकर के बक्कल चैम्बर के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में पहुंचे. आप पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, दिस इज नोन एज फैरिंक्स. कई बार लोग बोलते हैं व्हाट इज फैरिंक्स, बोलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओरोफेरिंजियल कैविटी. ओरो जहां पर मुंह फैला करके जो टक्कर दिखेगी, टी पॉइंट दिखेगा, दैट इज नोन एज फैरिंक्स. और इसे महसूस करना है तो जुखाम में बहुत महसूस होता है. जहां नमकीन नमकीन लग रहा है
वहीं से सीमा शुरू होती है किसकी? फैरिंग्स। यहां से थाना फैरिंग्स शुरू। थाना सुना? थाना काटा दे। अच्छा एक बार करो करो करो, अपना ही है यार। छी जानवी कह रहे छी सर कितने गंदे हो, अभी सबके सामने तो बोले गंदे हो, अकेले में परेशान मत होना। तुम भी, तुम तो मजबूत लड़की, तुम मत रोने लगना। मतलब ये टप की, ये टप की। अब तुम गर्ल से बेटा मजाक करने बंद कर देंगे ना बेटा। राजन जहां पर तुम सफेद पाउडर लेकर के ये सब छोड़ दो, नशीले पदार्थों का सेवन आपको केवल बर्बाद और बहुत आपके लंग्स में इतना टार पैदा करता है जो आपको बीमार और बहुत बीमार। अभी सुनो, ये जो फैरिंग्स है इट इज अ कॉमन पार्ट, इट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ द टू सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड रेस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट है फैरिंग्स। वैसे फैरिंग्स पढ़ाने लगूं तो बहुत बड़ा पोर्शन है, बुक में नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूं। बोलते हैं फैरिंग्स के सामने से दो ओपनिंग्स निकलती हैं। एक ओपनिंग तो ईसोफेगस के रूप में आगे बढ़ जाती, दिस इज ईसोफेगस, और एक ओपनिंग ट्रेकिया के रूप में आगे निकलती है, दिस इज ट्रेकिया। और ट्रेकिया कहां जाता है सबको मालूम है, मालूम है कहां पर? लंग्स में जाते हैं। और दूसरी ओपनिंग जो है वो ईसोफेगस के रूप में आगे बढ़ती है। जो ट्रेकिया की ओपनिंग है इट इज नोन एज ग्लॉटिस। बोलो क्या नाम है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इट इज नोन एज ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस का एक ढक्कन होता है, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एक और ओपनिंग है जो ईसोफेगस की, किसकी? ईसो, एंड दैट इज नोन एज गलेट। गलेट, और गलेट की ओपनिंग जाती है ईसोफेगस की तरफ। और ग्लॉटिस की ओपनिंग जाती है ट्रेकिया की तरफ। तो जब भी आप खाना खाते हैं माउथ से तो आपका खाना इंटेंडेड है टूवर्ड्स, इट इज इंटेंडेड टूवर्ड्स द ईसोफेगस। आपका खाना ईसोफेगस की तरफ जाना चाहता है, और खाना जब ईसोफेगस की तरफ जा रहा है तो ट्रेकिया को कवर करता है कौन? एपिग्लॉटिस। फिर से बोलो, तो एपिग्लॉटिस कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जिस समय पर आप खाना खा रहे हैं उस समय पर एपिग्लॉटिस हाफ पार्शियली बंद कर देता है ग्लॉटिस को, और ग्लॉटिस को पार्शियली बंद करने की वजह से खाना सीधे किधर की तरफ मूव करता है? ईसोफेगस। लेकिन आप अगर खाना खाते समय बात करें, क्या करें? बात करना इज एक्सपायरेशन। बोलो मेरे साथ, सांस अंदर लेते हुए बात करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते तो बेटा सांस बाहर छोड़नी पड़ेगी। फॉर बात करने के लिए इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, फिर से बोलो। तो अगर आप बात करने लगे तो आपको सांस बाहर छोड़नी पड़ेगी, बाहर छोड़नी पड़ेगी तो ढक्कन बंद की खुला। तो आप खाना भी खा रहे हो और बात भी कर रहे हो तो ढक्कन बंद की खुला, और खाना अगर डायरेक्शन चेंज करके कहां गया? ट्रेकिया। फिर से बोलो। तो ट्रेकिया ने कहा, अरे कहां चले आ रहे हो, और उसने बड़ी जोर का धक्का मारा, और धक्का मारा तो पहुंचा फेरिंग्स। कहां? ये इंटरनल नेयर, जहां से नमकीन नमकीन महसूस हुआ था, आंतरिक नाक है आपकी, और उस इंटरनल नेयर से एक्सटर्नल नेयर के बाहर आपने चावल खाया, मुंह से निकला नाक से नहीं आया, आया
इसलिए खाना खाते वक्त बात, और याद रखना लोग बात करने के लिए रेस्टोरेंट चूज करते हैं। कहते हैं और रेस्टोरेंट में बैठते हैं बतियाएंगे, बतियाएंगे नहीं, रेस्टोरेंट चलना तो चुप है खा, बतियाओ तो कान के नीचे पड़ेगा, और खाना खाते वक्त बात नहीं कर। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इतना ज्यादा एकदम टैलेंटेड हूँ कि मैं बात भी कर लेता हूँ खा लेता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइफ में गलती एक बार होती, किसी दिन बड़ा बोलस, बोलस मतलब खाना कहाँ गया, ट्रैकिया, विंड पाइप चोक, विंड पाइप बताओ, सांस आना बंद, राम नाम सत्य, इट इज नोन एज कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। क्या बोला? हाँ, कैफे में बैठकर हार्ट अटैक आ गया, कैफे कोरोनरी सिंड्रोम। कई बार ऐसा होता है खाते खाते आपका गला चोट और आप खप खप कर रहे हो और दो तीन मिनट के बाद राम ना, तो खाना खाते वक्त बतियाए नहीं। एक काम और करती है मम्मा, मम्मा कहते देखो लेटो लेटो मत खाओ, तुम कहते अरे मम्मा बेकार की बात, लेटे लेटे खाने का कारण यह कि ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट एपिग्लॉटिस अपना रास्ता खोल देता है, और इस वजह से जब तुम पानी पी रहे हो खाना खा रहे हो, वो खाना पानी इस वजह से मुझे कहाँ जाता है, और अचानक एक पानी की धचकी लगती है और वो जो पानी तुमने ना मुंह से पिया ना से, फिर मम्मा दो घूसा रखती, बदतमीज बोला था नहीं पीना। और अभी अभी जो हुआ उस दौरान सुनो, जिस समय पर भी कोई बेहोश हो, अनकॉन्सियस हो, अनकॉन्सियस कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन लूज हो जाते हैं, इसका मतलब एपिग्लॉटिस पूरी तरीके से बंद, और उस समय तुम पहले पड़ा पानी पिला दो वो पानी कहाँ जाने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने कहा जब कोई थोड़ा अनकॉन्सियस हो उसे पानी पिलाए नहीं, मुंह पे मारे फेंक के, क्या सर मग्गा, व्हाट माय पॉइंट, तो बताओ ये ग्लॉटिस है और इसके कवर का नाम एपिग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। हां, और वन मोर थिंग बताना चाहते हैं, आप लोगों के भविष्य में काम आएगा, व्हेनेवर बेबी सक द मिल्क, बच्चों के मसल कॉन्ट्रैक्शन उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मम्मा को जब मिल्क पिलाना चाहिए तो उन्हें लिटा के नहीं पिलाना चाहिए, बिठा के पिलाना चाहिए। व्हेनेवर, कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि माँ थोड़ी लेजीपन के चक्कर में मिल्क पिलाते वक्त बच्चों के मिल्क बेटा किधर चला जाता है, और वो जान नहीं पाते और उनके लंग्स में मिल्क पहुंच जाता है और फिर यहाँ इन्फेक्शन होते हैं, बीमारी का नाम निमोनिया, बिल्कुल ना, और बच्चा बचेगा कि मर जाएगा, इतना बुरा बोला ना मैंने, ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि आने वाले समय पर ये सब चीजें आपको सिखाई नहीं जाएगी और आप कभी ना कभी हमें याद करेंगे सर ने बोला था सही। ओके, तो बताओ हमारे पास फेरिंग्स के पास कितनी ओपनिंग निकल रही है, दो, एक की दो, दोनों ओपनिंग के नाम याद है, एक ट्रैकिया और एक ट्रैकिया और एक ईसोफेरस, कोई भी उठने की कोशिश नहीं करेगा जब तक मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ा नहीं लेता, तब तक यहाँ से उठेगा नहीं, 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। तो बताओ हम लोग कहाँ पहुंच गए, फेरिंग से ईसोफेगस, फिर से बोलो, अगर मैं ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊं तो आपको मालूम है सर बक्कल चैंबर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड नाउ दिस इज नोन एज ईसोफेगस, फिर से बोलो, ईसोफेगस, अब मैंने ट्रैकिया नहीं बनाया, ईसोफेगस की ओपनिंग का नाम, ग्लॉटिस की गलत, इसका कोई कवर है, याद रखना ईसोफेगस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, सम टाइम इट इज नोन एज फूड पाइप, विंड पाइप की फूड पाइप, एंड इट ट्रेवल्स थ्रू थ्री स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर से पास होता है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, नेक बोलो, थोरैक्स, फिर से बोलो, एंड डायाफ्राम, बोलो कौन, डायाफ्राम, अभी अभी आपको सीखना है, अभी अभी सीखना है, यहीं पर सुनो, डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पर्दा है जो नेक से
और डायाफ्राम के बीच की कैविटी है, इस कैविटी का नाम है थोरेसिक कैविटी। बोलो क्या नाम है? और बेटा डायाफ्राम के नीचे की कैविटी का नाम है एब्डोमिन कैविटी। फिर से बोलो। तो बताओ डायाफ्राम किन दो कैविटी को अलग अलग करता है? थोरेसिक चेस्ट के पीछे की कैविटी और ये वाली कैविटी का नाम एब्डोमिन। तो एब्डोमिन इज पेट, पेट की एक क्या होती है? कैविटी। तो याद रखना जब भी ईसोफिगस आगे बढ़ेगा तीन जगह से होते हुए गुजरेगा। बोलो पहला बोलो नेक, थोरेक्स, फिर से बोलो थोरेक्स एंड वाया डायाफ्राम। बोलो क्या बेटा? और डायाफ्राम को पियर्स करेगा एक ओपनिंग से, वो डायाफ्राम को पियर्स करता हुआ आगे बढ़ेगा एक ओपनिंग से। तो डायाफ्राम को पंक्चर करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेगा, और जब डायाफ्राम को पंक्चर करेगा तो एक जे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा बेटा? जे। एंड दिस जे सेम स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक। इस जे सेम स्ट्रक्चर का नाम स्टमक। याद रखना स्टमक अपने आप में चार पार्ट का होगा। एक पार्ट जहां पर ईसोफेगस ओपन हो रहा उसके सामने होगा, इट इज नोन एज कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट इस ओपनिंग के पीछे वाला पार्ट इट इज फंडस। एंड द मेन पार्ट ऑफ स्टमक इज बॉडी। और जहां पर वो डियोडेनम के साथ कॉन्टिन्यू रहेगा दैट इज नोन एज पाइलोरिक। स्टमक के कितने पार्ट? बोलो कौन? कार्डियस, फंडस, बॉडी। मेन पार्ट इज बॉडी। अच्छा उसके पीछे वाला फंडस, जहां पर ईसोफेगस और स्टमक खुल रहे हैं वहां पर एक इंस्पिंक्टर है। क्या बेटा? इंस्पिंक्टर। एंड दीज इंस्पिंक्टर आर नोन एज कार्डियक इंस्पिंक्टर। ये कार्डियक इंस्पिंक्टर इंश्योर करते हैं कि जो खाना स्टमक में आ गया है वो पीछे ना लौटे। ये इंस्पिंक्टर रबर जैसा क्लोज करते हैं। रबर जैसा नहीं समझे, एक पाइप लो और उसमें खूब तेजी से रबर बैंड बांध दो, बताओ पाइप बचेगा कि क्लोज हो गया? ऊपर से तो खुल जाएगा लेकिन नीचे से नहीं खुलेगा। दीज आर इंस्पिंक्टर। ऐसे ही इंस्पिंक्टर स्टमक और डियोडेनम के बीच में, दे आर नोन एज पाइलोरिक इंस्पिंक्टर। चलो बताओ स्टमक कितने पार्ट? डायाफ्राम के ऊपर के नीचे? नीचे। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड की लेफ्ट साइड? बताओ ये डायाफ्राम है? डायाफ्राम का ये वाला साइड, डायाफ्राम के नीचे वाली कैविटी का नाम एब्डोमिन। एब्डोमिन का ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। तो स्टमक कहाँ है? और जब भी लोग स्टमक मतलब पेट बोलते हैं बेवकूफ बोलते हैं। स्टमक इज अमाशय, बोलो अमाशय। एंड एब्डोमिन इज पेट, पेट इज अ कैविटी, पेट इज अ कैविटी। कोई बोले पेट फट गया, इसका मतलब स्टमक फटा नहीं है, क्या फटा है? समझ गए? तो बताओ स्टमक किस शेप का है? जे से। कितने पार्ट? चार। चारों के पार्ट याद है? बोलो कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। कितने इंस्पिंक्टर? दो। ऊपर वाले पाइलोरी, नीचे वाले पाइलोरी। पक्का? इसके बाद, इसके बाद जहां से स्टमक खत्म हो रहा है यस, वहां के बाद आपकी चालू हो रही है यस, क्या शुरू हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन। So we have the small intestine. Total कितने पार्ट? तीन। फिर से बोलो।
यस स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट का नाम डियोडेन। आप लोग पढ़ते तो बहुत अच्छा, लेकिन आपका 10 मिनट अगर मैं ज्यादा ले लूं तो मुंह ऐसा बनाता कि क्या बोल रहा है। और जुम्मे वाले दिन मैं 10 मिनट पहले छोड़ता हूं तो वो सारे 10 मिनट मेरे वापस करो। पहला बोलो डियोडेन, दूसरा चेजन और इंग्लिश, और इनको देखने की जरूरत है बहुत ध्यान से। डियोडेनम इज दिस पार्ट सी से, इट्स द डियोडेनम। डियोडेनम के बाद एक क्वाइल पोर्शन है, बड़ा सा क्वाइल पोर्शन है, इट इज नोन एज जेजेनम। जेजेनम के बाद एक फर्दर क्वाइल पोर्शन है, and this is known as ilium. बताओ small intestine कितने part? बोलो बोलो। duodenum, jejunum, ilium, सबसे ज़्यादा coil? हाँ ilium। तो small intestine कितने part? तीन। बोलो। duodenum, jejunum, ilium। और ilium जहाँ पर जाकर के end करती है, खत्म होती है, वहीं से मोटे डायमीटर का एक स्ट्रक्चर शुरू होता है, नाम है सीकम। कैसे बोलो? इट इज अ ब्लाइंड सैक। बोलो कैसा? जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज नोन एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एंड इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, पर आजकल इसे वेस्टिजियल नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसको बोलते हैं डिफरेंशियली एबल ऑर्गेनिज्म। ये लिम्फाइड हो गया। कैसा हो गया? लिम्फाइड। और आपकी इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। किसमें? अब अगर मैं पूछ लूं कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, याद है उसमें प्राइमरी में कि सेकेंडरी? सेकेंडरी पढ़ाया था। तो बताओ ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सीकम। सीकम। सीकम के बाद आता है कोलन। बोलो क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट, तीन पार्ट वाला। बोलो पहला बोलो सीकम, दूसरा कौन? कोलन, और तीसरा रेक्टम। तो याद रखना सीकम के बाद चालू हुआ कोलन। और कोलन है चार प्रकार का। कितने प्रकार का? अच्छा चलो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ये चढ़ता हुआ, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, ये सिग्माइड, और ये रहा रेक्टम। बोलो क्या? रेक्टम। रेक्टम यहां से यहां तक, और ये एनस। चलो बोले सब लोग बोलेंगे। चढ़ता हुआ एसेंडिंग, एसेंडिंग कोलन, ये वाला ट्रांसवर्स कोलन, ये वाला डिसेंडिंग कोलन, ये वाला सिग्मॉइड कोलन। तो कोलन के टोटल कितने पार्ट? चार। देखें कोलन के कितने पार्ट? बोलो एसेंडिंग, ट्रांसवर, डिसेंडिंग, सिग्मा, और कोलोन जहां पर एंड होगा उसका नाम रेक्टम, और रेक्टम खुलेगा बाहर एनस। शुरुआत किससे हुई थी? माउथ। खत्म किससे? एनस। और मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जिसमें एक ओपनिंग की दो, एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस। बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट? नंबर वन डियोडेनम, जी इलियम, पक्का सी से
डियोडेनम याद रखना और क्वाइल्ड एंड स्ट्रेट जेजेनम क्वाइल्ड एंड वेरी मच क्वाइल्ड इट इज इलियम इलियम खत्म हुआ कहां सी का अपेंडिक्स का नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसके बाद एसेंडिंग ट्रांसवर डिसेंडिंग बोलो सिग्मा फिर रेक्टम एनस याद रखना हमने अलग अलग टुकड़ों में से देखा एक बार पूरा सारे लोग अब मुझे कुछ नहीं सुनना बताओ ये माउथ है yes, इस चैम्बर का नाम बकल चैम्बर क्या ये स्ट्रक्चर फेरिंग्स है yes, तो मैं लिखता जा रहा हूँ आप मुझे बोलते जाओ ये वाला स्ट्रक्चर माउथ इतना कर दो फिर घर चले जाओ माउथ है yes, इसका नाम बकल चैम्बर बोलो क्या नाम इसका नाम फेरिंग्स फिर से बोलो यस ये बोलो ईसोफेरिंग्स इतना सिंपल नहीं है बस आपको समझाना है ईसोफेगस ईसोफेगस के आगे स्टमक के बाद डियोडेनम बोलो क्या है क्या ये स्टमक है स्टमक के कितने पार्ट चार याद है बोलो डियोडेनम है जेजेनम है बोलो ये क्या है ईलियम है चलो भाई ये इलियम हो गई चलो इलियम के बाद सीकम है अपेंडिक्स नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है अच्छा बताओ इसके बाद ये क्या है असेंडिंग की डिसेंडिंग बोलो ये बोलो हाँ डिसेंडिंग सिग्मा रेक्टम याद आया अब ध्यान से सुनो जिसकी वजह से मैंने डायग्राम ये बनाया एग्जैक्ट फोरगट है फ्रॉम माउथ अप टू मिड ऑफ द कोलन सॉरी मिड ऑफ द डियोडेनम इट इज फोरगट शुरुआत यहीं से की थी इसलिए यहीं को पूरा करना था मुझे इसीलिए मैंने बैठा रखा वैसे मैंने फोरगट में चार चीजें पढ़ाई थी किसी को याद है बोलो बकल चैम्बर फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक डियोडेनम नहीं बताया मिड ऑफ द डियोडेनम ये भी जाएगा फोरगट ये वो जगह है जहां पर खुलता है बाइल डक्ट बोलो क्या तो बाइल डक्ट की ओपनिंग तक फोरगट की मिड गट फोरगट चालू होगा मिड ऑफ द डियोडेनम से लेकर के ट्रांसवर्स कोलॉन की शुरुआत तक सॉरी इसको अंदर ट्रांसवर्स कोलॉन और मैंने क्या पढ़ाया था मिड गट स्मॉल इंटेस्ट यानी मैंने क्या पढ़ाया था डियोडेनम जेजेनम इलियम कोलॉन सीकम पर सीकम इज द पार्ट ऑफ मिड गट इन ह्यूमन ओके और ट्रांसवर्स कोलॉन की शुरुआत से लेकर एनस तक इट इज हाइंड गट तो जो रफ आइडिया था भूल गए बेटा उसका एग्जैक्ट आइडिया पता चला रफ आइडिया क्या था फोरगट में कितने चार मिड गट में स्मॉल इंटेस्टाइन हाइंड गट में लार्ज इंटेस्टाइन जिसका एग्जैक्ट आइडिया क्या है माउथ से लेकर सी पार्ट ऑफ द डियोडेंट इट इज फोरगट सी पार्ट ऑफ डियोडेंट स्टार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन मिड गट स्टार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन टू एनस इट इज हाइंड बस जाना है सर मुझे घर जाना है बिना बोले जाओगे नहीं तीन मिनट न्यूट्रिशन याद है बुक बंद करो मम्मी कसम है तीन मिनट लेंगे से ज्यादा नहीं न्यूट्रिशन याद है न्यूट्रिशन इज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस फॉर द ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कैविटी कितने प्रकार का एक ऑटोट्रॉफ दूसरा हेटरोट्रॉफ हेटरोट्रॉफी कितना तीन पैरासाइट सेप्रोफाइट होलोजोई होलोजोई के कितने स्टेप पांच इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन हमारे हिस्से कितने लगे दो एक और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फूड कंपोनेंट कितने सात कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल वाटर रफेजेस याद है कितने प्रकार के दो एक है प्रॉक्सिमेट एक है प्रोटेक्टिव सिस्टम चाहिए
सिस्टम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलो कितने पार्ट, दो, एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड, मैंने किनको छुआ भी नहीं, एसोसिएटेड, एलिमेंट्री कैनाल आया, कितनी ओपनिंग, दो, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर वाला एनस, कितने पार्ट, तीन, फोर गट नेट गट रफ आइडिया, चार, फोर गट में कितने, चार पक्कल फैरिंग, मिड गट में स्मॉल इंटेस्टाइन, हाइंड गट में लार्ज इंटेस्टाइन, याद आया, बताओ बेटा पैलेट कितने, दो, हार्ट सॉफ्ट, ओविला याद है, कितनी बोन, दो, ऊपर वाली अपर जा लोअर जा, मैक्सिला मैंडिबल, कौन मूवेबल, मैंडिबल, याद है, टीथ है, गोली सॉकेट में है, कंडीशन थीको दांत, कितने टीथ, चार, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, हेट्रोडोंट है, और दिन बेटा लाइफ में कितनी बार, दो, बताओ डाइफायोडॉन, और कुछ लोग एक बार, बोलो मोनो डायोडॉन, डेंटल फॉर्मूला याद है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पी इन द हाफ ऑफ द जॉ, आई सी पी एफ, टू वन टू थ्री याद है, नीचे वाला, टू वन टू थ्री, बचपन के दांत याद है बेटा, 32 की 20, 20, टू वन जीरो टू, टू वन जीरो, प्री मोलर लाइफ में एक बार, थर्ड मोलर लाइफ में एक बार, कितने पार्ट, ओरल फेरेंजियल, कितने पेपिला, चार, फिलिपॉर्म पंजीपॉर्म ओलिए, कौन ह्यूमन में नहीं है, हाँ बताओ किस में टेस्ट बॉट नहीं है, फिलिंग, कितने टेस्ट, चार, चारों याद है, बोलो स्वीट सार सोर बिटर, मिर्च बिटर है, मिर्च कैसा है, बर्निंग सेंसेशन, फेरिंग्स आया, कितनी ओपनिंग, दो, गलेट एंड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉट, इसोफेगस आगे गया, नेक से थोरेक्स से डायफ्राम, डायफ्राम में जे से मिला, क्या मिला, स्टमक, कितने पार्ट, चार, कितने स्फिंक्टर, दो, ऊपर वाले कार्डियक, नीचे वाले पाइलोरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन, डियोडेनम जेजेनम इरिया, पक्का, सी से डियोडेनम स्ट्रेट जेजेनम हाइली क्वाइट इरिया, सी का मिला, ब्लाइंड सैक है, वर्मी फॉर्मेंडिक्स है, कोलोन कितने, चार, एसेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मा, इसके बाद रेक्टम मिला, एनस मिला, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।